सबसे ज़्यादा तादाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरी कर रहे हैं वो श्रीनगर में ही, एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट के श्रीनगर में आज शुरू हुआ है। और चीफ इंजीनियर आरएनबी ने कहा है कि दिसंबर तक, तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लाई है पीएम पैकेज का, मुझे लगता है कि उनको रहने की सुविधा और बाकी उनकी दिक्कतें दूर। और यात्रा के सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जो कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट पर है उनको क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर देखिए बड़े संवेदनशील ढंग से हम सब कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए, खासतौर से जो इम्प्लाईज हैं, चाहे वो हो या बाकी भी जम्मू बेस्ड इम्प्लाईज, लगातार प्रशासन उनके संपर्क में रहा है। जो उनकी जेन्युइन दिक्कतें रही उनको हमने समाधान तक पहुंचाया है। भरी नहीं जाती थी, अब सभी पद भर दिए गए। एक समय था जब जमीन नहीं मिलती थी, घर कहाँ बनेंगे, अब हर जगह काम शुरू हो गया है, कुछ बन गया, कुछ मैंने जैसा पहले बताया आपको कि 1200 अप्रैल में मिल जाएगा, 1800 दिसंबर में, और ये जो 934 या 932 फ्लैट हैं ये भी दिसंबर तक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और भी जो दिक्कतें थी उनके प्रमोशंस कर दिए गए हैं, नॉन गजटेड से गजटेड का प्रमोशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थानों पर प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कौन स्थान सुरक्षित हो सकता है उनकी तैनाती कर दी गई, तो मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को बड़े संवेदनशील ढंग से हम सब ने समाधान तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये स्टेट लैन का चराई लैन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, उसमें एक बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि गरीब और सामान्य आदमी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रसूखदार लोग, जिन लोगों ने पदों का दुरुपयोग करके नियमों का उल्लंघन करके बड़ी जमीनें कब्जा की, उनके खिलाफ ही प्रशासन कार्रवाई करेगा।